अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका होस्ट अदिल पठान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पठान चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बात चल रही है मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर कि उस पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन किया जा रहा है। लेकिन क्यों बैन किया जा रहा है, इस पर काफ़ी सारी बात हो गई। इसमें बहुत सारे वेबसाइटों पर गया, उस पर यह बात किया गया कि उसमें रोमांस ये से जो है ना इस तरह बातें होती है, ये वीडियोस अपलोड होती है, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है उसके अंदर। इससे पहले भी यूट्यूब पर पाबंदी पाकिस्तान एक बार लगा चुके हैं, लेकिन इसको मैं आप ये बताते चलूँ कि पीटीए की तरफ से कि मैं पीटीए वालों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसको बंद करेंगे तो आपको नहीं पता कि कितने लोगों की एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, दस सालों के लोगों के रोज़ाना की बुनियाद पर जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिरा रहे हो तुम लोग। अगर आप अपने आप को अथॉरिटी वाले कहते हो और आप अपने आप को पीटीए वाले कहते हो तो आप इस चीज़ पर पाबंदी भी लगा सकते हैं कि उसके अंदर कोई गंदे वीडियो हो उसको पाकिस्तान के अंदर बैन किया जाए, उस चीज़ को जो पाकिस्तान के अंदर पाशी फैला रहा है। इसके मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में पाशी यूट्यूब नहीं फैला रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आप लोग उस पर नज़र नहीं डालते हो। पीटीए वालों से ये कहना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग नज़र नहीं डालते हो कि वो क्या है। टिकटॉक को ले लो, इस तरह इंस्टाग्राम को ले लो, फेसबुक को ले लो, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, बहुत सारे गंदगियाँ उसके अंदर फैली हुई है। फिर यूट्यूब में क्या है, एक बंदा थोड़ा सा काम करके वो पढ़ाई करके उसके लिए थोड़ा बहुत पैसे निकलता है, उससे अपनी पढ़ाई करता है, तो उसके लिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है। लोग यूट्यूब के से थोड़े बहुत पैसे कमा के उससे अपना घर का साग चावल वगैरह ये ले रहे हैं, आप लोगों की उससे तकलीफ हो रही है, वो दो टाइम का खाना खा रहा है यूट्यूब से। तो दोस्तों ये कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर, ये कभी भी बैन नहीं हो सकता। अगर ये बैन करेगा तो इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक जाएंगे, हम इसकी पूरी मजम्मत करेंगे, हर जगह पे जाएंगे और इसके बाकायदा इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इसको क्यों बैन किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैं यूट्यूबर्स हूँ, पाकिस्तान के अंदर लाखों के हिसाब से यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, यूट्यूब से अपने घर का खर्चे चला रहे हैं, अपना जीप का खर्चा, स्कूल का खर्चा और वगैरह, अपने बच्चों के खर्चे, ये सारा यूट्यूब से कराते हैं। तो दोस्तों इसमें से हमको ये सबको एक साथ होना पड़ेगा इंशाल्लाह, और इसमें हम एक साथ होंगे भी, इस पर एक मुहिम चलाएंगे फिर इंशाल्लाह। उम्मीद तो नहीं है कि यूट्यूब को बंद करेगा, लेकिन अगर खुदा ना खास अगर इस तरह हुआ तो इस पर हम पूरा की पूरा इस पर बात करेंगे, हम जाएंगे आगे तक, हम उस पर जो है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर भी जाना पड़ेगा हम ज़रूर जाएंगे और उस पर हम बात करेंगे कि आखिर इसको क्यों बंद किया जा रहा है। अगर जिस चीज़ से आपको इतराज़ है आप उस चीज़ को बैन करें यूट्यूब के अंदर कि वो ना दिखाए। अभी यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है, नई जो अपडेट स्टूडियो बेटा आया हुआ है, उसके अंदर तो बाकायदा उन्होंने ऑप्शन दिए है कि आपकी जो वीडियो है ये बच्चों की दिखाने के काबिल है या नहीं है, या 18 साल उम्र की कम बच्चों को दिखाने के काबिल है या नहीं है, तो उसमें से सारे के सारे पॉलिसीज दिए हुए, तो वो सारे पॉलिसी को फॉलो करते हैं लोग, और उसमें ये भी वो लोग लगाते हैं कि हाँ ये बच्चों के काबिल नहीं है। अगर कोई रोमांस वाले वीडियो, कोई ऐसे ज़बाना वीडियो, वैसे तो यूट्यूब वाले इस तरह वीडियो छोड़ते नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ज़्यादातर वो रोमांस वाले अक्सर आते हैं उसके अंदर, लेकिन उस पर भी उन्होंने कैटेगरी लगाई हुई होती है कि जिसको बच्चे ना देखे तो वो बच्चों से सेफ रहती है, जो कम उम्र बच्चे होते हैं उसको वो नहीं दिखाते, तो उसमें से ये सारे के सारे ऑप्शन उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब यूट्यूब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूट्यूब के अंदर इस तरह पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के अंदर इसको बैन किया जाए। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह हो जाएगा, अगर होगा भी तो हम कोशिश करेंगे, अपना भरपूर कोशिश करेंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको एक साथ होना पड़ेगा इंशाल्लाह। इसमें हम एक अपना एक मुहिम बनाएंगे, वो चलाएंगे, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। अभी तक तो बंद नहीं है, अगर बंद होएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर कुछ बात हम मिलके करेंगे। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।